असलम नाजरीन मैं इंजीनियर इजहार खान दोबारा आपके सामने हाज़िर हूँ एक नए एपिसोड के साथ इन आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि वॉट आफ्टर ग्रेजुएशन एंड स्किल डेवलपमेंट अक्सर हमने देखा है कि बच्चों ने आपके अदारे में एक यूनिवर्सिटी में आपने दाखिल ले लिया आपकी तलीम आपने मुकम्मल कर ली मगर अक्सर देखा गया है कि हमारे बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद भी क्या करें नो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेवन क्वेश्चन दैट मोस्ट ऑफ़ द ग्रेजुएट्स आर इवन कन्फ्यूज दैट वॉट टू डू आफ्टर द ग्रेजुएशन

स्ट्रीम को चूज करते हैं हालांकि उनकी दिलचस्पी उसके अंदर नहीं होती है तो जिसकी वजह से वो अपनी स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू दिपोर्ट्स एंड मोर देंटी ए पोस्ट ग्रेजुएट्स आर गेटिंग टू नो फ्रॉम द रिपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट एजेंसी बहुत सारी न्यूज एजेंसी ये कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे ज्यादा ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एम बी एट्स वाई आर दे दी बिकॉज अब इनके सवाल पैदा होता है कि अब जब उन्होंने इंजीनियरिंग इतने डिग्री हासिल कर ली है एम बी ए कर लिया है तो अब वो अनएम्प्लॉयल क्यों है बिकॉज दैट इज द रूट कॉज इज दर एजुकेशन सिस्टम हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह डिजाइन हुआ है कि हमारे बच्चे वो स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते हैं जिनकी जरूरत मार्केट के अंदर एक एम्प्लॉयर को होती है जाहिर सी बात है जब आपने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया है तो यू शुड हैव सर्टेन स्किल्स इन योर सेल्फ सो दैट यू बिकॉज जब आप एक जॉब के लिए अप्लाई करेंगे आप किसी काम के लिए अप्लाई करेंगे सो एम्प्लॉयज आर नॉट हायरिंग ओनली यू फॉर योर डिग्री दे आर हायरिंग यू फॉर योर स्किल्स दैट यू पोजेसटन टेक्निकल स्किल्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनीज रोल फॉर द जॉब विच यू आर गोइंग टू डू कि हर एक बच्चे को हर एक ग्रेजुएट्स को है एक स्किल की जरूरत होती है जिसके जरिए से वो आप लोगों को फायदा पहुंचा सकता है अगर उसके पास सिर्फ और सिर्फ डिग्री है उसके पास काम करने का हुनर नहीं है सो कंपनी विल नॉट लाइक सच काइंड ऑफ ग्रेजुएट्स टू टू गेट कम ऑन द बोर्ड एंड डू काइंड ऑफ वर्क द कंपनीज विल नॉट द प्रज ऐसे ग्रेजुएट्स को प्रिफर नहीं करेंगे तो जरूरत इस बात की है कि हमें स्किल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए हमें स्किल डेवलपमेंट की तरफ जोर देना चाहिए अगर हम अपना एजुकेशन सिस्टम का जायजा लें तो बच्चा एजुकेशन करता है अपनी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन मुकम्मल करता है जूनियर कॉलेज करता है ग्रेजुएशन करता है उसको स्किल डेवलपमेंट के ताल्लुक से कुछ शऊर नहीं होता है हालांकि अभी भी हमारे मोर देन एसेंट ग्रेजुएट अभी भी इसी सोच में है कि उनको उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया अब उनको जॉब्स आर रेडी फॉर देम दैट इज वॉट 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 टू डू आफ्टर द ग्रेजुएशन बिकॉज उनको जॉब्स नहीं मिलता है दे कंफ्यूज होते हैं और वो एनी काइंड ऑफ अनरिलेटेड जॉब्स में वो जाकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उनके पास पास जिस भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहे हैं दे शुड ऑल्सो द स्किल इन दैट फील्ड होता यह है कि असल में अगर आप हमारे मुल्क के एजुकेशन सिस्टम का और दूसरे मुल्क के एजुकेशन सिस्टम का जायजा लें तो आर एजुकेशन सिस्टम इज टू मच ऑफ मार्क्स बेस्ड सिस्टम मार्क्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है कि बच्चों को वो चीज स्किल्स आती है या नहीं आती है बिल्कुल ध्यान नहीं आता है कि बच्चे के अंदर वो स्किल डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है देर इज मोर फोकस ऑन थियरी देर इज नो फोकस ऑन प्रैक्टिकल बच्चा पढ़ता तो है रेजिस्टेंस क्या होता है बट ही सीन वॉट इज द रजिस्टर ही अंडरस्टैंड के एसी uh, करंट होता है डीसी करंट होता है बट वेन यू आस फॉर एग्जाम्पल ही इज नॉट एबल टू रिप्लाई टू यू हीं क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है

तभी से उसके जहन में हमें कुछ ना कुछ स्किल के ताल्लुक से चीजें उसके जहन में दाखिल करती रहना चाहिए आप देखिए आप बड़े बड़े जो ऑन्टरप्रनर्स like उन्होंने नौ साल की उम्र के अंदर प्रोग्रामिंग को सीख लिया था प्रोग्रामिंग को उन्होंने मैं नहीं कहता प्रोग्रामिंग के मास्टर हो गए होंगे बट स्टली एटलीस्ट स्टार्टेड गेटिंग द एक्सपोजर फ्रॉम द एज ऑफ नाइन ईयर अबाउट द प्रोग्रामिंग की प्रोग्रामिंग किस तरह होती है लुक एट द बिलगेट लुक एट एथ दर्क जुकबर

जहां पर एडुकेशन तो दिया जाता है मगर स्किल्स नहीं दिया जाता है वॉट इज इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट स्किल इंजीनियरिंग तो कोई सब्जेक्ट है नहीं ज्यादा वो स्किल है कि बच्चे को जो भी इंजीनियरिंग करें चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करें चाहे केमिकल इंजीनियरिंग करे चाहे बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करे इलेक्ट्रॉनिक्स करे आईटी करे कंप्यूटर करे सो ही शुड बी मोर फोकस ऑन द स्किल लाइक डॉक्टर इज मोर फोकस ऑन द स्किल स्किल डेवलपमेंट वी इंजीनियर्स ऑल्सो शुड ऑल्सो फोकस ऑन द स्किल के मार्केट में किस चीज की डिमांड है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन तमाम चीजों को देखते हुए टारगेट किया है कि उनको स्किल डेवलपमेंट के स्किल उनको प्रोवाइड करेंगे एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्राइंग एज एफ नाउ बट उनको इतना सक्सेसफुल सक्सेस नहीं मिली है बट स्टिल दैट स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑनटरप्रनरशिप इज पुटिंग लेवल इज डूइंग बेस्ट टू प्रोवाइड द स्किल टू द इंडियन तो ये गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया देखा कि आज देखिए आज सारे के सारे जो कंपनीज है चारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन है वो यही देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के पास स्किल नहीं है हम इनको एम्प्लॉय करें तो क्या अगर उनको हम एम्प्लॉय करते हैं तो दोबारा शोर से उनको ट्रेनिंग देना पड़ती है जब बच्चे ग्रेजुएशन से आते हैं

कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जो भी आपको जो फील्ड आपको जाना है चाहे कारपेंट्री की हो चाहे इंजीनियरिंग की हो चाहे जो भी आपको फील्ड जाना है सो दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू स्पेक्ट्रम ऑफ द स्किल्स आर देयर इन द फील्ड फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी फील्ड है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है सबसे बड़ी चीज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग फ्री ट्रेनिंग ऑन दी स्किल्स लाइक कार्पेंट्री इलेक्ट्रीशियन मोबाइल रिपेयरिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एनालिटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिग डेटा इंडियन टेक्नोलॉजी बायोटेक और हर एक फाइनेंस और अकाउंटिंग ये सारे के सारे स्किल्स के अंदर देर आर मोर देन हंड्रेड ऑफ स्किल्स देर अवेलेबल फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है थ्रू दी प्राइवेट पार्टनर्स स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे बच्चों के अंदर ये भी सोच बाकी रहती है कि हम ग्रेजुएशन के बाद क्या करें देट इज वेरी सैड पार्ट

आज हमारे समाज के अंदर मुस्लिम समाज के अंदर देखा गया है कि मुस्लिम समाज के अंदर स्किल होने के मारे लोग बहुत है हमारे पास ऑटो uh, फिटर कार मैकेनिक बाइक मैकेनिक है ना uh, रिक्शा वाला uh, और इलेक्ट्रिशियन uh, है ना सारे के सारे हमारे जो वेदर यू टेक्सटाइल इंडस्ट्री एनी इंडस्ट्री यू टेक ऑल लेबर जॉब आर डन बाई मुस्लिम बट देर नॉट द पीपल मोस्ट ऑफ द इंडियन ग्रेजुएट्स आर नॉट हैविंग द स्किल So what saying, कि हमें स्किल एक्वायर बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम स्किल हमारे पास होगी और हमारे पास क्वालिफिकेशन होगी सो वी कैन स्टार्टअप और ओन एंटरप्राइज दे पीपल कैन स्टार्ट ग्रेजुएट कैन स्टार्ट देयर ओन एंटरप्राइज दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस अगर उनके पास स्किल अवेलेबल है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्किल की बात बताता हूं विच इज वेरी स्मॉल स्किल यू कैन डेवलप योर स्किल ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग लाइफ एक्साम्पल आप कोरल ड्रॉ जानते होंगे यू नो कोरल ड्रॉ यू नो फोटोशॉप यू नो वीडियो एडिटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स अबाउट दी मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया के ए, ए बहुत ही अच्छे स्किल टूल्स हैं सो इफ यू लर्न अबाउट कोरल ड्रॉ आपने सीख लिया फोटोशॉप आपने सीखा या फॉर एग्जांपल आपने वीडियो एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ना दीज स्किल्स आर हाईली इन डिमांड लुक मार्केटिंग मार्केटिंग एंड मार्केटिंग एडवर्टिजमेंट इज रिक्वायरमेंट एवरी वन एवरी इंडिविजुअल फ्रॉमल टू अज ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स मार्केटिंग आप देखिए उनके बैनर्स बनते हैं

कैन अर्न लैक्स ऑफ रुपीज थ्रू दीज बेसिक स्किल्स इन द मार्केट सो ये मैंने आपको एक स्किल बताई है दूसरीपल स्किल्स है लॉ की है लाइक लॉ लॉ इज वेरी अपकमिंग फील्ड एंड आई बिलीव दॉट स्किल्स एनवाइ इन इन सोसाइटी हमारे रियल स्टेट के रेरा आ गया है जहां पर लॉयर की जरूरत पड़ेगी आर लीगल एक्सपर्ट वी नीड टू तो सॉर्ट आउट दो नीड फॉर एग्जाम्पल डेली बिजनेस लॉस हमारे चेंज होते रहे हैं तो लॉ स्किल्स जो है जी देख लीजिए आप जीएसटी देख लीजिए एंड देर आर सेवरल लॉ एक्सपर्ट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं जो अभी हमारे इंडिया के अंदर है सो आई बिलीव दीज टू स्किल्स स्किल्स टू बी इन डिमांड सो हमारे जो अकाउंटिंग है आपकी है आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस एज अ स्ट्रक्चर होल फील्ड ये सारे के सारी फील्ड आर गोइंग टू बी इन लॉन्ग इन डिमांड है तो आपको ये स्किल्स सीखना चाहिए एंड यू कैन मार्केट योर स्किल्स यू कैन यूज योर स्किल्स टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली एज वेल ये बहुत ज्यादा जरूरी है अब देखिए गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंसर्न अबाउट द स्किल डेवलपमेंट अमंग द यूथ कंपनीज आर ऑल्सो कंसर्न सो देर आर इनिशियेटिव कमिंग आउट देर आर इनिशियटिव कमिंग आउट नाउ इवन देर आर कंपनीज दो इंटर्नशिप न हमारे बच्चे जो होते हैं हमारे बच्चों को थेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा होती है बट हमें ये देखना है कि हमारे बच्चों के पास स्किल बेस्ड नॉलेज बहुत जरूरी है इसीलिए जब वो बच्चे स्कूल्स में हो असल तो यही होगा कि बच्चे जब स्कूल में हों तो उनके सारे कॉन्सेप्ट जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्प्ट उनके एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट केमिकल कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो जाए उनके कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर हो जाए शुड बी क्लियर अबाउट दर ओन कॉन्सेप्ट कौन से कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दूसरी चीज है कि जब बच्चे धीरे धीरे थोड़े बड़े हो हैं ग्यारहवीं बारहवीं के बाद वन दे एंटर इंडी ग्रेजुएशन दे शुड आई ज्वाइन दे शुड कीप ऑन विजिटिंग दी कंपनीज वो जो भी आपको फील्ड में जाना है चाहे आपको कंप्यूटर फील्ड में जाना है इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है तो आप उन फील्ड से उन कंपनियों से अपना राबता बनाना शुरू करें यू शुड स्टार्ट डेवलपिंग योर ओन कॉन्टेक्ट विद दीज कंपनी विद दिस कंपनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो कंपनीज इस फील्ड में काम करती हैं तो आपको इन कंपनियों से राबता बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है सो यू नो अबाउट द कंपनीज वर्किंग इन योर फील्ड ऑपरेटिंग इन योर फील्ड डूइंग बिजनेस इन योर फील्ड जिसके जरिए से आपको वो कंपनी क्या काम करती है वो कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है किस तरह के स्किल्स उनको लगते हैं

बेस्ट फॉर यू आई कैन गारंटी यू कि वो आपके लिए अच्छा होगा कि यू कैन फाइंड द सम इंटर्नशिप पार्ट टर्म इंटर्नशिप इन द कंपनीज इन द फील्ड फ्राम द कंपनीज इन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आप उन कंपनीज से जो आपको इंटरेस्टिंग है इंटरेस्टिंग लगते हैं और जिस फील्ड में आपको जाना है आप उन कंपनी से रवाबित काय करके उस कंपनीज के अंदर इंटर्नशिप लीजिए आप उनसे रवाबित कायम कीजिए आप उनके काम को सीखिए जानिए दैट विल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट You also join the organizations like big organizations like for example Apki Field. I know for example for the computer engineers, there is the Computer Society of India. For the electrical engineers, there is the IEEE, IEEE, hai, for CSI, hai. and there are for business students. There are many bodies like CII, hai, CI Confederation of Indian Industry, FICI, NASCOM, uh, NASCOM, SHM.

आप अपने फ्रेंड का सर्कल बना सकते हैं जहां यू कैन स्टार्ट समथिंग ऑन योर ओन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दी बिजनेस एंड ऑनप्रीनरशिप बाय लर्निंग फ्रॉम दीज थिंग्स बाय लर्निंग फ्रॉम दीज बॉडीज एग्जीबिशन कैन स्टार्ट एंड लॉन्च योर ओन स्टार्टअप एट अ वेरी बिगनिंग एज इफ यू आर हैविंग दैट यू मे फील इन दैट स्टार्टअप बट दैट विल गिव यू लॉर्ड ऑफ एक्सपीरियंस दैट विल गिव यू लॉर्ड ऑफ एक्सपीरियंस एट दैट एज एंड गेटिंग सच काइंड ऑफ एक्सपोजर एट अ वेरी यंग एज डरिंग योर स्टीज टाइम ड्यूरिंग योर स्टीडी टाइम आपके ताली दौर के दरमियान में ही अगर आपने कोई कंपनी स्टार्ट की और आपने उसको लॉन्च किया दैट विल हेल्प यू आपको काफी ज्यादा फायदा होगा आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपको एक नया एक्सपोजर मिलेगा योर थिंकिंग लेवल विल कम एट डिफरेंट लेवल आपको एक काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा आपको आपको एक नए लेवल पर आप सोच करेंगे आप से बात करेंगे आप सर्विस प्रोवाइडर से बात करेंगे प्रोवाइडर से बात करेंगे तो आपका एक अलग नेटवर्क डेवलप होगा एंड इवन इन से स्किल ना होने की वजह से हमारे जो नौजवान हैं उनको जॉब फाइंड करने में या खुद के कोई काम शुरू करने में कितनी दुशवारियां आती हैं सो so, तालीम के साथ साथ डिग्रियों के साथ साथ हमें स्किल डेवलपमेंट पर भी बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए अगर हमारे पास स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा हमारे पास स्किल्स नहीं होंगी हमारे बच्चों के पास सो नो बड़ी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. स्किल so, के साथ साथ हमारे पास क्वालिफिकेशन होगी सो वी कैन कैन क्लाइंट दी कॉपरेट लैडर्स हम ज्यादा से ज्यादा ऊपर जा सकते हैं कंपनी में ग्रोथ अच्छी हमारी होगी और नहीं तो हम खुद का भी कुछ ना तो कुछ कर सकते हैं दैट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हमने देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी ले रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है तकरीबन चालीस करोड़ लोगों को दो हजार बाईस तक के ट्रेन करने का a manufacturing हब आप देखिए हमारे इंडिया में जितनी भी चीज दिख लीजिए आप, आप चाहे uh, हमारे कैमरास को दिख लीजिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को दिख लीजिए हमारे कपड़े दिख लीजिए हमारी बड़ी बड़ी मशीनरी दिख लीजिए हमारे ट्रेन दिख लीजिए अक्सर वो बेषतर चीजें हमारी चाइना से आती है जापान से आती है जर्मनी से आती है ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज हमारे यहाँ पर वोकेशनल चीज़ों पर बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं और हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं इंडिया इज़ वेरी वेरी बिहाइंड इन मैन्युफैक्चरिंग इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया का प्लान भी लॉन्च किया था मगर हमारे यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट ना होने की वजह से ग्राउंड पे लोगों की तादाद ना होने की वजह से जो इतने स्किल्ड हो ना होने की वजह से हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाती है इंटरनेशनल स्केल पर हमारे प्रोडक्ट्स को ट्रस्ट नहीं किया जाता है इफ इट इज मेड इन इंडिया पीपल आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट इट एज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी सो हमें जरूरत है कि हमारे यूथ के अंदर स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है सो दैट हमारे यूथ के अंदर स्किल आए और हमारी स्किल्स हमारे यूथ जो है अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाए खुद के मार्केटिंग करें और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को ऐसा ब्रांड पेश करें और यू आल्सो कैन बिकम इंटरनेशनल ऑन्टरप्रनर आल्सो बिकॉज क्या हो रहा है आप देखिए अमेरिका के अंदर अमेरिका इज डूइंग द सेम थिंग अमेरिका इज डूइंग व्हाट अमेरिका इज वेरी रेजिल इकनॉमी बिकॉज वहां पर स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा फोकस दिया जाता है हमें जर्मनी के अंदर यही दिया जाता है स्किल स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल एजुकेशन इज मोर फोकस ऑन दैट लुक एट दैट जापान ऑल्सो स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल एजुकेशन इज मोर फोकस्ड ऑन मेनी कंट्रीज आर फोकसिंग ऑन दीज थिंग एंड इंडिया ऑल्सो आई बिलीव इज ऑन ट्रैक नाउ इंडिया में भी बहुत सारे ऐसी चीजें स्किल्स को प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है जिसके जरिए से हमारे यूथ को एम्प्लॉयबिलिटी मिले हमारे यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े हमारे एंटरप्राइज की हमारे अंदर ऑन्ट्रप्रनर्स बने और हमारे एंटरप्राइजेस की स्केलेबिलिटी बढ़े एंड दे बिकम एंटरप्राइज ऑफ इंटरनेशनल स्केल ऑफ इंटरनेशनल लेवल तो ये सारी चीज़ें थी कि स्किल की एक अपनी अहमियत है एडुकेशन की भी अहमियत है मगर स्किल के साथ साथ हमें चाहिए कि हम आ, दोनों को ज्वाइन करें तो मेरी गुजारिश होगी कि आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक से अपनी सोच के मुताबिक से जो आपको लगता है आप कर सकते हैं आप स्किल्स जो डिमांड में है मार्केट में उन स्किल्स को तलाश कीजिए और अपनी कॉम्पिटेंसी को बिल्ड कीजिए ताकि आपको कल आगे रोजगार के मसाइल आपके लिए खड़े ना हो अगर आपके पास स्किल होगी आपके पास काबिलियत होगी तो सारे के सारे लोग आपके पीछे भागेंगे अगर आपके पास काबिलियत नहीं होगी आप के पीछे भागेंगे अगर आपके पास काबिलियत होगी तो कामयाबी आपके पीछे भागेगी तो जरूरत यही बात की है कि आज के इस इंडस्ट्रियालाइज दौर के अंदर हमें स्किल्स का होना हमारे पास स्किल होना हमारे यूथ के पास स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है मुझे उम्मीद है कि आप इस एपिसोड को समझ होंगे और अपने बच्चों के अंदर आप स्किल डेवलपमेंट की तरह की कोशिशें बहुत ही इबदाई दौर से करना शुरू कर देंगे ताकि हमारे बच्चों के ये जो स्किल जॉब के मसाइल हैं और रोज़गार के मसाइल हैं वो इनशाला हल हो जाएंगे मुझे उम्मीद है कि आपको इन नुक़ात समझ में आए होंगे और आप इन इन तमाम नुकात पर भी ज़रूर बजर काम करेंगे तब तक, तक के लिए इन इजाज़त मांगता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के लिए इन फिर आपके सामने दोबारा एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे असल वरहमी वरकू ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें